अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको मैं वेगनार की एवरेज बता रहा हूँ आज। इसकी तकरीबन एवरेज 445-440 किलोमीटर जी डालें भाई जी। ये ठीक है, ज़ीरो है। ये पहले मैं वीडियो बना रहा था, वो मेरा हाथ लग गया तो आउट हो गई है। तकरीबन पिछली दफ़ा 19 की एवरेज इसने दी है, अभी फिर इसका देखते हैं कि क्या इसकी एवरेज आती है। हाँ ऊपर तक, ऊपर ऊपर तक है, क्योंकि मैंने डी खान से भी ऐसे फोन कराई थी। पैंतीस सौ का ये इसका है और 23.13 लीटर जी जी। और ये दोस्तों देखें, ये टॉप तक फुल हो गई है। ये दोस्तों मैंने शेल पेट्रोल पंप एबट आबाद से ये पेट्रोल डलवाया है, जो मैं डी आई खान से आया था। अभी आपको इसकी मैं एवरेज भी निकाल के देता हूँ कि ये इसकी एवरेज कितनी आई है। ये टेंकी हमने फुल की थी डी आई खान से, और यहाँ पे भी टेंकी फुल की है। ये हमें उन्होंने रसीद बना के दी है 3500 की, और ये लीटर आया 23.  समथिंग। वो मैं आपको सारा कैलकुलेट करके अभी सारा बताता हूँ कि कितना आया है। ये देखें दोस्तों, 452 किलोमीटर हमारा आ चुकी है, गाड़ी सफ़र तय कर चुकी है, और हमारा आया है 23.21 लीटर। 23.1 लीटर, ये देखें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारी एवरेज आ रही है 19.19 की। तो माशाल्लाह से ये डेरे इस्माइल ख़ान से सारा रास्ता चढ़ाई भी है हल्की हल्की सी, और तकरीबन 19.5 की इसने एवरेज दी है, जो कि बेहतरीन एवरेज है। अच्छा, फिर ये वापसी पे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये तो मैंने डेरे इस्माइल ख़ान से एबट आबाद की एवरेज मैंने वेगनार की आपको बताई है। इसी तरह आपको मैं अभी ये अभी तारीख है 15 तारीख है, 15 मार्च 2022। क्लियर क्यों नहीं हो रहा। 15 मार्च 2022, और इसका टाइम हो गए 10 बज रहे हैं। अभी हम बिस्मिल्लाह करके यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। इसी से आपको मैं एबट आबाद से डी खान की एवरेज बताऊंगा, ये आपको दूसरी वीडियो में वो सारी डिटेल्स उसकी बताऊंगा कि एबट आबाद से डी खान का इसने कितना माइलेज दी है। वैसे आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली ये 19.5 की एवरेज दी है इसने, और जब हम उससे आते हैं एबट आबाद से डी खान, तो तकरीबन 23.5 की एवरेज ये देती है, जो कि बेहतरीन एवरेज है। गाड़ी मॉडल है 2016 वेगनार। इंशाल्लाह ये आपको बाकी अपडेट्स दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि ये कितनी इसकी एवरेज आती है। इसकी बेहतरीन एवरेज के लिए आप इसको 80 से लेकर 100 के दरमियान चलाएं,
मैं जो अभी आया हूँ तकरीबन एवरेज स्पीड मेरी 90 के करीब थी सी पैक M14 से आया हूँ डी खान से, और फिर आगे मोटरवे वन, फिर हज़ारा एक्सप्रेसवे और इस तरह एबटाबाद पहुँचा हूँ। अभी वापसी पे आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि इसने कितनी एवरेज दी है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मली मैं तकरीबन इसकी जो मेरी स्पीड रही है वो 90 से 100 के दरमियान रही है। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।